क्या देने वाले हो राखी में? राखी में क्या पहले देना? तो पैसे दो, पहले तो पैसे दो। आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप एकदम मस्त हो और फटाफटी हो। कल रक्षाबंधन है, आज का दिन कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है कि बादल बिल्कुल काले नहीं है बट स्टिल बारिश हो जा रहा है। सुबह से नहाने का भी मन नहीं कर रहा था, मर मर के अभी नहाई हूँ, बाल अभी सूखे भी नहीं है। और फिलहाल मुझे जाना है इनऑर्बिट मॉल और थोड़ा बहुत राखी का शॉपिंग करना है। पता नहीं मुझे मॉल में जाने देंगे कि नहीं, बिकॉज मेरा एक ही डोज हुआ है वैक्सीन का, बट मुझे जाना तो पड़ेगा। एक्चुअली मेरे पास ये एक फॉसिल का वॉच है जो कि हाइब्रिड वॉच है, मतलब दिखता है मतलब नॉर्मल वॉच जैसा है बट ये है स्मार्ट वॉच। तो ये स्प्लैश प्रूफ है, वो स्प्लैश प्रूफ मतलब हमारे लिए वाटर प्रूफ ही हुआ। गलती से पानी में हाथ डाल दिया था और वो अब थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है। तो ये वारंटी में है और उसका वारंटी ये मंथ का लास्ट है। तो मुझे कुछ भी करके मतलब मॉल वालों का पैर भी पकड़ना पड़े तो भी मुझे मतलब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो होगा नहीं ये ठीक। तो इसको पहले ठीक करवाएंगे, फिर थोड़ा कल रक्षाबंधन है तो कल के लिए थोड़ा स्वीट्स लेना है और थोड़ा गिफ्ट वगैरह भी लेना है। एक्चुअली मैं डैडी को भी राखी बांधती हूँ तो डैडी और भाई के लिए एक टी शर्ट लेना है और मम्मी के लिए भी लेना है, मम्मी को पता नहीं। तो ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है। तो आप सभी को पता ही है मॉल जाते हैं तो मैकडोनल्ड्स वगैरह देख के थोड़ा बहुत इच्छा कर लेता है। मैं जंक नहीं खा रही करंटली क्योंकि जंक खा के मेरा फेस का बैंड बच चुका था और काफ़ी टाइम बाद मेरा फेस थोड़ा मतलब अभी हेल्दी फील कर रहा है और फिर खा के मुझे उसका नहीं बिगाड़ना। तो शायद थोड़ा बहुत तो मतलब चलता है, थोड़ा एकदम थोड़ा सा। तो अभी फिलहाल सुबह नाश्ता था, भज्जी बनाया था, बारिश के वजह से थोड़ा भज्जी वज्जी खाने का मन किया था तो मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो फिर अभी और खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा है तो फिलहाल मैं ये भज्जी खा रही हूँ। भज्जी में ना मिर्ची का पकौड़ा है, बैंगन का पकौड़ा है और ना भोपला का पकौड़ा है, बहुत मस्त लग रहा है। मतलब हम बंगालीज में ये बनता है, कभी मैं शेयर करूंगी कैसे बनाता है बट बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी कुछ बज रहे हैं 5ish और मैं अभी निकल रही हूँ क्योंकि बारिश रुकी नहीं रहा था, अभी थोड़ा लग रहा है भूखा है करके। तो अभी फटफट जाती हूँ और सारे काम निपटा के आती हूँ। राखी मैंने पहले ही ले रही थी, ऑल्सो मैं ये बैग कैरी कर रही हूँ जो मैंने खुद बनाया था, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, बहुत प्रिटी बना है। चलो जाते हैं और शॉपिंग करके आते हैं कल की। तो अभी मैं अभी निकल गई हूँ, वॉच पहले ठीक कराएंगे मॉल में जाके, फिर आगे आगे शॉपिंग देखते हैं कैसा क्या सिचुएशन है। तो ये कुछ टी शर्ट है जो मुझे अच्छे लगे, भाई के और पापा के लिए कपड़े ले लिए। और वॉच तो मेरा ठीक नहीं हो पाया क्योंकि जिनका दो डोज हुआ है उनको ही अलाउ कर रहा है, ठीक है, पर नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ देखते हैं। अभी जाना है मम्मी का लेने ड्रेस और मेरा ड्रेस लेने। बोरिवली आई हूँ मैं, कहाँ है कोविड गर्दी देखो। श्रीराम में आई हूँ स्वीट्स खरीदने के लिए, बहुत कंफ्यूजन है यार, कितने अच्छे अच्छे स्वीट्स है, सब लेने का मन कर रहा है। मॉल में कुछ खाया नहीं क्योंकि एंट्री ही नहीं मिला, तो अभी यहाँ पे आई हूँ मैं भगवती में खाना खाने, चीज़ गार्लिक नान और पनीर राजस्थानी। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और चिल्ला रहे हैं यार, सब चिल्लाते ही रहते हैं। आज है नेक्स्ट डे और आज रक्षाबंधन है। कल मैं बहुत रात को आई थी, मैंने व्लॉग नहीं किया और मुझे एज यूजुअल थोड़ा सर्दी हो रखा है, तो इसके लिए आज सुबह मैंने कैमरा उठाया। ये लोग को पता नहीं है मैं इन लोग के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी लेने के लिए, जब मुझे पता चला मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरा गिफ्ट पेंडिंग में रखा है तो मैं भी पेंडिंग में ही रखती हूँ ना, मजाक कर रही हूँ, क्या ही हो जाएगा, घर के तो है, मिले तो भी ठीक नहीं मिले तो भी ठीक। तो अभी बाहर चलते हैं और राखी वगैरह बांधते हैं और आज शायद से खाना बाहर से ऑर्डर करने वाले हैं। भाई यहाँ भाग भाग के आ रहा है, हम दोनों ने ब्लू डाला है। ट्विनिंग क्या दे रहा है मुझे आज, क्या चाहिए तुझे, सब कुछ तो है, कुछ नहीं लाया गया आज, कुछ नहीं, तब ऐसा भाई कि कुछ नहीं लाया रक्षा। यहाँ पे मम्मी गणपति और कृष्णा भगवान को राखी बांध रही है। डैडी यहाँ पे रेडी वेडी हो गए, क्या देने वाले हो राखी में? राखी में क्या? पहले तो पैसे दो, पहले तो पैसे दो। पैसा दो, वाह इटा को राखी ले लो, वाह इटा हमारी आछे स्कैम। अरे इटा आमी दिच्छी, अपन इटा, ओ इटा अपन आमी गिव दिच्छी, तुम्ही गिव दे बैठे तो भाई
এইটা আমারই গিফট তাহলে ভাই কোদা ভাই তো দিবে আলাদা গিফট আমি দিয়ে রাখলাম আমি এইটা তোকে গিফট দিচ্ছি এলে নাই পয়সা চাই আপসে এইটা রাখতে চলেগা গিফট হ্যাঁ রাখি কি থালি মানে यहां पे सजा ली है আজকে তো নাস্তা ফাস্তা কিছু হয়নি আজকে আমাকে লাড্ডু খেয়ে পেট ভরাতে হবে মিষ্টি মিষ্টি খেয়ে পেট ভরাতে খাওয়া আর কি মিষ্টি মিষ্টি খেয়ে তোমাদেরকে আমাকে খাওয়াতে চাই কি মিষ্টি মিষ্টি মিঠাই খানা এই লোক কাজুর বরফি খাওয়া না তুই তো কাজুর বরফি এনেছি খাওয়াবো কাজু খাওয়াবি মম্মি পূজা করে হয়ে যাও তারপরে খাওয়াবো এ তো রাখি বাঁধনে সে পেলে বাঁধ গয়া ये हो रहा है अभी भाई का रक्षाबंधन पहले मम्मी भाई को राखी बांधे क्योंकि मम्मी के भाई सब गांव में रहते हैं इसके लिए रक्षा करने वाला यही है एक ही रक्षा करने वाला है रतन है यही तो है हमारा तो एक ही और है रतन क्या गिफ्ट क्या ऐसे फ्री में राखी इधर है वो मेरा है सबको सबको वही चिपका रहे पैपे पैपे चालू है रक्षाबंधन में भी ये पापा के कहने बांचे बोल तो पापा रक्षा कर रहे हैं पापा रक्षा तो कौन है ये भी है দারুন এনেছি তো এটা গিফট আমার জন্য রাখিটা দারুন আছে রে দে তোকে আশীর্বাদ দিচ্ছি তুই দে लेकिन मैं फिर भी लेकर आई यूट्यूब सबके लिए सब डाल लिए और दिखा रहे हैं मुझे आप मुझे ना कुछ मेरी चॉकलेट पे देना भूल गए लोग वाह 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 अब दे रहे बस लो दो दिन का प्यार सब खुश हो गए अभी अभी एक हफ्ते तक कोई कुछ बोलेगा नहीं काम कर रहे अभी हम जा रहे हैं खाना लेने यहाँ पे इसकी बाइक चालू नहीं हो रही हमारी गाड़ी चालू ही नहीं हुई अभी हम पता नहीं कैसे जाएंगे खाना ले आया है यम्मी सा हम ये जो दिखाया था उस दिन मैंने इसका प्रोसेस कैसा है निकालने का वो डैडी दिखा रहे हैं अभी उसका ये निकला है और डैडी यहाँ पे उसका पल्प निकाल रहा है उसका हम वड़ा टाइप करेंगे उसका वड़े बन के रेडी है खाना वाना खा के एकदम नैप ले लिया मैंने और मुझे उठते ही बहुत ज्यादा
सर्दी हो गया है जिससे मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक कर रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा नीचे जा रही हूँ और मेडिसिन लेके आ रही हूँ, मतलब जस्ट सर्दी का, क्योंकि इतना फ्लो कर रहा है ना नोज़, मतलब कुछ लॉक भी नहीं करना और मन भी नहीं कर रहा है, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो ये पीयू है हमारा बहुत ही क्यूट सब्सक्राइबर, मास्क खोल सकते हो। हाय, कुछ बोलना है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, मेरे को इतना मन कर रहा था कि मैं आपसे मिलूं, आपसे मिलूं, आज मैं मिल लिया। तुम घर पे क्यों नहीं आए, तुम घर आने वाले थे ना? अरे टाइम नहीं मिला, बट नेक्स्ट टाइम पक्का हो गया। हाँ, कल लेके आ, कल लेके आ इसको, ठीक है? अनिमेश को ऐसे भी मिल लेना। हाँ, फिर सेटअप भी आज ये था, बट बोला कि नहीं। हाँ, वो डैडी को कुछ काम आ। फाइनली अब मैं घर आ चुकी हूँ और आप लोग ने देखा मैं एक सब्सक्राइबर से मिली, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा सबसे पहला सब्सक्राइबर मैं उससे मिली हूँ और वो इंदौर रहता है। एक्चुअली वो मेरे एक फ्रेंड है, उसका भांजा भतीजा कुछ लगता है, मतलब वो उसकी मासी लगती है, बट मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। वो कितना ज़्यादा प्यारा लड़का है, उसने इतने सारे सवाल पूछे मुझे कि आपने ये चैनल का नाम ऐसा क्यों रखा, मतलब यार मज़ा आ गया। आज एक से मिली, कल होपफुली अगर भगवान का दया हो तो 100, फिर 1000 ऐसे बढ़ते जाए। आई रियली विश, मतलब तो मेहनत करने में भी मज़ा आएगा। आई एम सो हैप्पी, मतलब आज का दिन काफ़ी सॉर्टेड था, अच्छा था, बट ठीक है, गिफ्ट मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, बट मैंने इनको खुशियाँ दी। वो जो स्माइल थी, मतलब एक्साइटमेंट लेवल आप देख ही सकते हो, वो जो था ना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उनको इतना ज़्यादा एक्साइटेड देख के। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी और अब से अलविदा लूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जल्दी जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर कर दो यार, मतलब बहुत सारा वीडियो को शेयर करो। खुश रहना, खुल के जीना और आसपास के लोगों को भी हंसाते रहना। बाय।